हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आबू रोड में मालगाड़ी का पहिया उतरने से रेल यातायात ठप हो गया है। चंद्रावती रेलवे पुल के पास मालगाड़ी का वैगन धंसने से क्षतिग्रस्त हुए रेल ट्रैक का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। मंडल प्रबंधक के अनुसार बुधवार दोपहर 12 बजे तक सुचारू होगा रेल यातायात। उत्तर पश्चिम अजमेर मंडल के 6 अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं। गुजरात की दुर्घटना राहत गाड़ी मौके पर मौजूद है। जोर शोर से जारी है रेल ट्रैक दुरुस्ती का कार्य। मंडल रेल प्रबंधक ने अहमदाबाद के DRM से मांगी मदद। मौके पर पहुंचे गुजरात के अधिकारी राहत कार्य में कर रहे हैं मदद। हम यहाँ ट्रैक पर बैठे हैं ताकि उनको लगे कि भाई हम भी उनका साथ दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हम इस सेक्शन को खोल दें ताकि हम यातायात को पुनः बहाल कर सकें। सर कितने लोग अभी सर काम पर लगे होंगे? करीब 300 लोग। हमने करीब पूरे अजमेर से लेके यहाँ तक से हर जहाँ जहाँ भी लेबर उपलब्ध है सर। हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि हमें तो काम करवाना है। ये चिंता नहीं है कि क्या कहाँ से मैन पावर मिल रहा है। तो करीब 300 लोग हैं, आपको दिख रहे होंगे, जिधर देखो आप उधर ही। और ये जो पूरा क्षेत्र है 1 किलोमीटर के दायरे में है सर, जो यहाँ पर से लेके और अभी मैं पूरा अंत पॉइंट तक गया हूँ 1 किलोमीटर है सर। तो काफ़ी लंबा क्षेत्र है लेकिन काम लोग काफ़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रात से करीब 3:30 से काम शुरू हो गया है। जब से वो लोड हमने आगे अबू रोड खींचा तब से 8:40 हो रहा है, 5.5-6 घंटे से लोग बिना रुके काम कर रहे हैं और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम सेक्शन खोल नहीं देते हैं यातायात। सर कितने घंटे और लगेंगे अंदर? मतलब अभी से 12 से 1 का आकलन आता है तो आपके बनने की संभावना है, क्योंकि हम आप देख ही रहे हो कंडीशन। हम कुछ ऐसा मतलब एडहॉक काम सर, काम ऐसा पुख्ता करें कि फिर एकदम कॉन्फिडेंटली हम गाड़ी इस पर चला पाए। थैंक यू। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।